बादशाह, अपना जिहाद कामयाब होना चाहिए इंशाल्लाह। आज रात हिंदुस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। तुम्हारे हिंदुस्तान में दिल्ली और तमिलनाडु और हैदराबाद तुम्हारा टारगेट होगा। तुम्हारे जरूरत का हथियार, करेंसी और आदमियों का इंतजाम हो चुका है। वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर जिहाद। खुदा हाफिज जनाब। नमस्कार सर। नमस्ते। मदुरई के लिए कोई बस? चेन्नई जाना है। एक घंटे में एक बस तो है। 6 बजे जाएगी क्या? हाँ 6 बजे का है। आपको कितना टिकट चाहिए? 2 ही चाहिए। कितना हुआ? 150 रुपये दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। सर बस में अभी टाइम है, थोड़ा फ्रेश होना था। बैग कहाँ रख दूँ मैं? कहाँ रखोगे? हाँ हाँ वहाँ रख दो। हाँ हाँ। Thank you.
अरे मोनू यहाँ यहाँ एक बैग मिला है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? ये फ्लैट तो आनंद का है ना? आनंद आईएसआई एजेंट है आनंद। ऐसा क्या? हाँ अपना आनंद पाकिस्तानी है क्या? शांत रहना। क्या कहा था? आरटीएक्स इतना ज्यादा रखा था उसने घर में। ये सारा सामान उसके फ्लैट में कैसे आया ये पता है क्या? अबे हमारा फ्लैट छोड़, सारा का सारा शहर ही गिर जाएगा। हमारे राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट ने आईएसआई एजेंट केएस आनंद बाबू को सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। हमारे कोयम्बतूर में हुए सीरियल ब्लास्ट के अलावा दिल्ली और मुंबई में हुए ब्लास्ट में भी उसी का हाथ था, इस बात की पुष्टि कर ली गई है। अब देश की रक्षा का सवाल हमारे सामने खड़ा है। अब इनका टारगेट आंध्र प्रदेश, मुख्यतः हैदराबाद को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। अगर हम लोगों को पहले से उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हम उनके खतरनाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने में कामयाब हो जाएंगे, और इसके लिए हमें अपने प्रदेश को पूरी तरह से सुरक्षित करने का विचार करना होगा। तभी केंद्र के रक्षा मंत्री ने एक तेज तरार सीबीआई ऑफिसर को इस केस पर नियुक्त किया हुआ है। मैं राज्य के होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक ओवर करें। सभी को मेरा नमस्कार। इस केस की इम्पोर्टेंस के बारे में शिवशंकर जी ने अभी आपको बताया। इस तरह के केसेस को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीनियर ऑफिसर कृष्णमूर्ति को मैं सीबीआई के स्पेशल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट करता हूं। केएस आनंद बाबू सन ऑफ के रमणा राव चीफ अकाउंटेंट बैंक ऑफ बड़ौदा विजयवाड़ा, ये काफी है? इतना काफी है ना? अपनी एक्टिविटीज के बारे में किसी को पता भी नहीं चलने दिया। अच्छा ये बता तू कौन से ग्रुप से है, अलोमा मुजाहिदीन या फिर कश्मीर टाइगर? बता। ओ अपना मुंह कैसे बंद रखना है इस चीज की ट्रेनिंग तो अच्छे से मिली होगी ना? तो मुर्दों से कैसे बुलवाना है इसकी ट्रेनिंग हमें भी अच्छी तरह मिली हुई है, समझ रहा है ना तू? अच्छा अपने लोगों के बारे में बता, जल्दी कर। कोयम्बतूर बॉम्ब ब्लास्ट में किसका किसका हाथ था, सच बता। तुम लोग पाकिस्तान से यहाँ कैसे पहुंचे और आगे के तुम्हारे क्या प्लान्स हैं, वो सब सच सच मुझे बताओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बता
बता। अभी तेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है? एक ये कि तू सरकारी गवाह बनके हमें सब कुछ सच बता दे, या तो फिर सारे टॉर्चर्स को झेल के उसके बाद सच बता। चॉइस तेरी है, डिसीजन भी तेरा है। देश के लिए इंसान को ईमानदार होना चाहिए, लेकिन तुम जैसे गद्दार इसे धोखा देते हैं, और तुम जैसे लोग बेचारा बनके बैंक ऑफिसर की जॉब की आड़ में बॉम्ब ब्लास्ट करके लोगों की जानें ले रहे हो। सच कह रहा हूं ना? अच्छा तू एक बात बता मुझे, इस दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ देकर के तू देश से गद्दारी कर रहा है या नहीं? ये गलत है कि नहीं? हाँ, इस देश ने तुझे नौकरी दी, पैसा दिया, घर दिया, सब कुछ दिया, लेकिन तुम साले सिर्फ चंद पैसों के लिए बिक गए। जिन जिन लोगों के साथ तू मिला हुआ है, तू उन सबके बारे में हमें बताएगा? मुझे एक 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 आदमी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, समझा? जिस थाली में खाते हो उसी में शहद करते हो, बताओ। तू जानता है, तुम जैसे गद्दार लोगों की वजह से इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं, मुस्लिमों का भी है। इस देश में पैदा होने वाला हर हिंदू हर मुस्लिम देशभक्त होता है, और सबका बराबर हक होता है। इस देश में मेजॉरिटी भले ही हिंदू है, लेकिन मुसलमानों को ज्यादा हक दिया जाता है। वहां पर पाकिस्तान में भी मुसलमान रहते हैं, लेकिन उधर के मुसलमानों से ज्यादा अच्छी जिंदगी यहाँ के मुसलमानों की है। फिर भी हमारे देश से इतनी नफरत क्यों, बताइए? हमें अपने हिंदू होने पर पूरा पूरा गर्व है, लेकिन हम दूसरे के धर्म का भी सम्मान करते हैं। एक बात जानता है, हिंदू अपने धर्म को लेके कितना भी कट्टर क्यों ना हो जाए, लेकिन वो दूसरे के धर्म का सम्मान करना जानता है। लुक, कुरान के अंदर जो बातें लिखी हुई है उसका मुसलमान पूरा पूरा सम्मान करता है, और तुम जिहाद के नाम पे मारते हो। कौन से कुरान में ऐसा लिखा है कि मासूमों की जान लेके तुम्हारा जिहाद पूरा होगा, बताओ मुझे? फिर क्यों हमारे देश के मासूम लोगों का खून बहा रहे हो तुम लोग? है कोई जवाब तुम्हारे पास, बताओ मुझे? एक बात याद रखना, जितनी बार तुम लोग ये करने की कोशिश करोगे उतनी बार तुम मारे जाओगे। कौन कौन था तुम्हारे साथ, सच सच बता दे मुझे, बता बता, कम ऑन, टेल मी, से समथिंग यू इडियट, प्लीज से समथिंग, से। जानता हूं कोर्ट ने अब तक जजमेंट नहीं दिया, तो भी मैं तुम्हें जेल लेकर आ गया हूं। वो क्या है ना, प्रैक्टिकल होके सजा देने का मजा ही कुछ और होता है। ये देख रहे हैं, तेरे पापों की सजा के लिए ये फांसी का फंदा है, लेकिन इससे पहले कि ये तेरा वजन संभाल पाए, हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। अभी तक इस रस्सी का इस्तेमाल नहीं हुआ ना, इसलिए थोड़ी ऐंठन है। देखने में तो बिल्कुल साधारण सी है, लेकिन कैदी का वजन संभाल पाएगी कि नहीं, इसका हमें टेस्ट करना पड़ेगा। बाबो, तुम्हारा वजन कितना है? इसका 75 किलो होगा, और क्या, ये बांधो। चलो पहले मैं टेस्ट करता हूं। या मिस्टर के एस आनंद बाबू टू बी हैंग्ड। जानते हो, तुम्हारे मरने के पहले आखिरी बार यहां का मैजिस्ट्रेट होगा, और तेरी मौत को कंफर्म करने के लिए यहां पर डॉक्टर और जेलर भी होगा, और तुझ जैसे पापी की मौत देखने में तो सबसे ज्यादा मजा आएगा। तेरी वजह से जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को खोया है, उन लोगों के दिल को सुकून पहुंचेगा, और पूरी दुनिया देखेगी ये चीज, और हमारा भारत देश सुकून की सांस लेगा। ये रस्सी धीरे धीरे आह तेरी गर्दन को तोड़ देगी। फायर! सर, 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 थैंक्स। अरे तूने तो मेरी ही जान बचा ली यार, लेकिन तुझे कौन बचाएगा?
आज मेरा टाइम बहुत अच्छा है, तूने बचा लिया, चल खाना खाते हैं। माय डियर क्रिमिनल्स, मेरे प्यारे पापियों, तुम सबने क्राइम पैसों के लिए किए होंगे ना, किसी ने पैसों के लिए, किसी ने जायदाद के लिए, किसी ने प्रेमिका के लिए, लेकिन इसने देशद्रोह किया है, पराये देश के लिए, अपने ही देश से गद्दारी की है इसने, मातृभूमि से गद्दारी की है इसने। सही बोला ना, देशद्रोही तो है ना तू, मुझे तो लगता है तू अपनी माँ को भी। I love my country. I love my country. Ah.
तुम सुंदर हो। क्या है कि मुझे शर्म आ रही है। तुम्हें कैसा लग रहा है मैं अच्छे से जानता हूं। ये सच है, कल तक आप कौन हो और मैं कौन हूं। शादी ने हमें पास आने के लिए मजबूर कर दिया नेचुरली, लेकिन शुरू शुरू में तो सबके साथ ऐसा होता है। सो इन सब बातों को छोड़ देते हैं, फ्रेंडली रहते हैं और हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे। अरे सिर्फ मैं ही अकेले बात करूंगा। कहा ना, नो कमेंट्स, बी फ्रेंडली, बी कूल। दूर रहो, पास आए तो मार डालूंगी। फिल्म बहुत अच्छी थी जीजाजी। तुम्हारी दीदी होती तो और अच्छी लगती। दीदी आती तो फिल्म कहाँ देखते आप? ए, मुझे सब पता है, दीदी आती तो आप फिल्म नहीं देखते, लेकिन दीदी तो पिक्चर ही देखती। तो क्या करेगी छोटू? अरे कुछ नहीं, पिक्चर देखती और क्या। शादी हुए 2 दिन हुए हैं और अभी तक आपको नहीं पता कैसे जीना है। क्या करें यार, मेरे पापा कुछ ज्यादा ही कड़क हैं। ऐसे कामों के लिए ट्रेनिंग नहीं लेते जीजाजी, खुद ही करना पड़ता है। तू मेरा प्यारा दोस्त है ना, चल बता तेरी दीदी को क्या पसंद है। उसमें मेरा क्या फायदा, आइसक्रीम खिलाता हूँ ना। रिक्शा रिक्शा रोको रिक्शा, मुझे घुसखोर ऑफिसर समझा है क्या? आइसक्रीम खिला के पटाना चाहते हो? फिर तुझे क्या चाहिए यार? AK-47। मर गया यार, चला बता तेरी दीदी को क्या पसंद है। दीदी को, अरे वो सब छोड़ो, वो बैट बहुत अच्छा है, ले लूँ क्या? ले ले। और कुछ? और बॉल, बॉल भी ले लो। हाँ, वो भी ले ले, ले लो। सुन, तेरी दीदी को क्या पसंद है ये पूछा था तूने, तो अपनी पसंद की सारी चीजें ले ली। अरे अब बता दे कि उसको क्या पसंद है। अरे यार तुम तो पीछे ही पड़ गए। हाँ मुझे याद आया, क्या है? मेरी दीदी को क्या पसंद है जानना हाँ। चाहते हो? बोलो। मैं हूँ। तुझे पसंद करती है। सुनो एक बात बता, जैसे तुझे AK-47 पसंद है बराबर, और मुझे किताबें पसंद है हाँ। लेकिन तेरी बहन को क्या पसंद है? दीदी को पुराने गाने बहुत पसंद है। ए माँ, क्या रे? दीदी कहाँ है? क्या करेगा तू? अरे सरप्राइज है दीदी। ए, ये रेडियो लेके कहाँ जा रहा है? कुछ सुनाना है इसलिए जा रहा हूँ। अमेरिका आंटी, अमेरिका आंटी। अरे चाचा शर्माओ मत, मुझे पता है आप रोमांस कर रहे हैं। अरे बबलू ये बात नहीं है, हमारे अमेरिका में ऐसे ही होता है। मैं अब बच्चा नहीं रहा ठीक है। दीदी दीदी ये देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट। ये गाना तुम्हारी पसंद का है ना? मेरे पास तुम्हारी पसंद की बहुत सारी चीजें हैं, तुम बस एक बार मुझसे बात करो, मैं भी पसंद आ जाऊंगा। जब हम दोनों एक साथ मिलेंगे तो अपनी अपनी पसंद के बारे में जान जाएंगे, लेकिन हमें बात करने का मौका कहाँ मिलता है? हमेशा तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हारे साथ रहती हैं, इसलिए हम शाम को ढाबे पर मिलते हैं। ध्यान रखना शाम को 5 बजे जरूर आना। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग।
खाना बना रही हो? वेरी गुड। तुम खाना बनाना जानती हो ये देखकर मुझे रोना आ रहा है, समझ रही हो ना? गुस्सा करना जानती हो लेकिन मर्डर करना नहीं। वेरी वेरी गुड। मुझे भी बहुत कुछ आता है, लेकिन तुम्हें छोटी लड़की समझ के चुप रहूं तो तुम कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बच जाओगी। पर ये अब नहीं चलेगा। तुम कितना भी चिल्लाओ लेकिन आज रात में क्या होगा तुम जानती हो क्या? रेप। मतलब क्या है जानती हो? सामने वाले की पसंद हो या ना हो लेकिन फिर भी जबरदस्ती करना। लेकिन ये सब तो बुरे लोग करते हैं, पर मैं उन लोगों के जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। ठीक वैसा ही मैं भी करूंगा। आज रात में होने वाले काम के लिए तैयार रहना। सासुमा, उषा ने वड़ा बनाया, उसका नमक टेस्ट कर रहा था। हाँ नमक तो बराबर है, पर थोड़ा मिर्ची और मिलाओ। दामाद जी उषा को देख के पागल हो जाएंगे। बेटा और आनंद को दे दे। हाँ ठीक है। क्या हो गया? अरे उषा क्या हुआ? मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, इसका ध्यान रखना। सुनिए जी, आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। हाँ, हाँ, मैं आता हूँ। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ, बहुत दर्द। माँ, दर्द हो रहा है। अरे हटो 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 सब लोग हटो। हटो हटो हाँ चलो हटो। हाँ फर्स्ट एड देना पड़ेगा। हटो। माँ दर्द हो रहा है। ले ओ माँ। माँ बहुत दर्द हो रहा है। वैद्य को बुला लेंगे बाबू। वैद्य के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, दर्द कहाँ ये पता लगाना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। नहीं, नहीं। हाँ ये कोई सर्दी जुकाम है क्या जो ठीक हो जाएगा? दर्द है, लेटो लेटो। सुनिए हटिए, प्लीज हटिए, इधर आइए, हवा आने दीजिए, पीछे जाइए ना आप लोग। लेटो लेटो उषा लेटो। हवा हवा आनी चाहिए, हवा हवा जाएगी तो दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। हटाओ इसे, हटाओ उषा इसे हटाओ, तभी दर्द कम होगा। हटाओ, समझो उषा, हटाओ हटाओ ना हटाओ। इस
तेरा पेट पे हाथ रख के ऐसे मसाज करें तो सारा दर्द धीरे धीरे दूर हो जाएगा। वो पेट की नसें गाल पे हैं जी, तो इस तरह से गाल पे छू के बार बार चिमटी करें तो। ये क्या कर रहे हो, इससे ठीक हो जाएगा क्या? अभी अभी तो शुरू ही किया है बस। सो गाल पे चिमटी लगाते ही दर्द आराम से चला जाएगा धीरे धीरे, और मसाज करते ही। नहीं, मेरा दर्द ठीक हो गया। मुझे पता था यहाँ पे दर्द हो रहा है। अब दर्द इतनी जल्दी थोड़ी ना खत्म होगा। सुनो उषा, एक काम करते हैं, अपने पैर को नीचे रखो ऐसे। हाँ रखो। अब थोड़ा घूमो ऐसे। हाँ ऐसे। हाँ आराम से। अब थोड़ा पीछे की तरफ झुको ऐसे। नीचे थोड़ा और नीचे। अब अपने हाथों से यहाँ पकड़ के थोड़ा टाइट करके, थोड़ा टाइट करके पकड़ना है। और टाइट और टाइट। अब मेरा हाथ तुम्हारे पेट को टच करेगा धीरे धीरे। अम्मा थोड़ा आप झूला झुलाओ। आराम से। ये क्या कर रहे हो बाबू? ये म्यूजिक थेरेपी है, राग से रोग खत्म हो जाता है। अब आप सब लोग झूला झुलाइए। हाँ देखिए। ये तो हंसती खेलती दिख रही है, कहाँ बीमार है जी? पेट में दर्द है डॉक्टर साहब। पेट में दर्द है, तो ये क्या कर रहे थे? पेट के दर्द को कम करने के लिए कसरत करवा रहा था। क्या? कैसा पति? होम्योपैथी या एलोपैथी? ये दोनों भी नहीं, उषापति। ये उषा और मैं पति। ओहो अब समझ में आया। डॉक्टर सुई से बहुत डर लगता है मुझे। नहीं डॉक्टर, दर्द वापस आ सकता है, आप लगाइए। कम से कम दो हफ्ते तक इससे दूर ही रहना। बताइए डॉक्टर आखिर बात क्या है? आज पेट दर्द है, कल कुछ और हो गया तो, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ी सावधानी रखना। सुनो तुम हमारे साथ अमेरिका क्यों नहीं आते? डिग्री है तुम्हारे पास, यहाँ से अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छे से जियोगे। नहीं किशोर, I'm very comfortable here। लगता है मेरी बहन इनको नहीं पसंद आई। बताइए आनंद जी, मेरी बहन पसंद नहीं आई क्या? अरे कैसी बात कर रही हो, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ वो तो ठीक है, वो थोड़ी सी गुस्से वाली तो है जानती हूँ, लेकिन आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। वो बात यह है कि उसकी परवरिश ही ऐसी है, अब क्या कर सकते हैं। अदरवाइज I'm very happy, I'm really enjoying well। Okay आनंद, I wish you happy married life। Thank you and all the best। उषा, उषा, बेबी सब काम जल्दी जल्दी करो ना। हाँ हाँ जल्दी करो। उषा कहाँ है? हाँ अरे ऊपर होगी, जाकर देखो। सुनो हाँ। कल तो सारे मेहमान चले जाएंगे, आज को ढंग का प्रोग्राम कर लेते हैं ना, क्या बोलते हो? ठीक कहा ना मैंने? आप सिर्फ खाना पीना संभालिए। हाँ प्रोग्राम को मैं संभाल लूंगा। हाँ। उषा सुन, उसको पास में आना मत देना, तू जानती नहीं लड़कों के बारे में, हनीमून तक उसे दूर ही रखना, तुझे पहले ही बता रही हूँ। अरे इसको क्यों बता रही है तू, इसे तो बोलना भी नहीं आता अभी, जब तेरे पति देव आएंगे ना तो उनको बोलना आई लव यू। उषा अच्छा है, सब की सब शर्मा रही हो। हाँ तो अब बाहर भी निकल जाओ। मारोगी? हाँ? गुस्से में चाकू से मारोगी? हाँ? मारो 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 ना, चलो मारो मुझे।
मुझे अर्जेंटली चुम्मा चाहिए। चुम्मा दोगी या मारोगी? चुम्मा अर्जेंट। मुझे चुम्मा दोगी या मुझे मारोगी? ए, चुप। उषा, अरे तुम पागल हो? तुम्हारी सहेलियां बाहर हैं, वो क्या समझेंगे? अरे उषा, मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ। उषा, उषा, अब बस भी करो, बाहर तुम्हारी फ्रेंड्स हैं। अरे छोड़ो मुझे। अरे, तुम रात तक रुक नहीं सकती क्या? कंट्रोल करो। अरे 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 छोड़ो, अरे छोड़ो ना, अरे छोड़ो ना, अरे उषा छोड़ो ना। भाग भाग। खाने जा रहा हूँ, खाने जा रहा हूँ। अरे दामाद जी बैठिए, जरा हटिए ना, बैठने दीजिए। हाँ। आइए बैठिए, बैठिए बैठिए। हाँ। अरे बेटा पतल लाना। हाँ ये लीजिए। ए खाना ला रहे जल्दी। हाँ। कितना धीरे काम करती हो। ए सत्या, तेरे गांव के थिएटर में कौन सी फिल्म चल रही है आज? बरसात में ताक दिना दिन। ओहो हाँ हाँ, काम करो काम करो। सासुमा मुझे भी खाना दीजिए ना। क्या दामाद जी, उषा ने खाना नहीं दिया क्या? मेरी पत्नी ने मुझे पहले ही खाना खिला दिया है। खाओ। मिठाई बहुत अच्छी है। रेड्डी जी लड्डू खाए क्या? अरे खाइए तो, देखो मिठाई बहुत अच्छी है। सबको लड्डू मिले ना? हाँ हाँ खाओ खाओ, तो सबको लड्डू मिले ना। ए पापड़ लाओ पापड़। ए जरा पापड़ लाना। तुझे लड्डू मिला ना? जम के खा। लिपस्टिक क्या? अब क्या बताऊं, गाजर का रंग है। अरे जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? आराम आराम से खाओ। यहाँ देखो, यहाँ इधर इधर यहाँ पर, अरे यहाँ पर, बोल दिया ना, ये लिपस्टिक नहीं है, गाजर है। हाँ लाइए मैं देती हूँ। अरे ये क्या है लाल लाल? गाजर है जी, मेरी पत्नी ने बनाया है। मुझे भी दो। मौसी जी अपनी लड़की को देखिए, मेरे चेहरे पर लिपस्टिक ढूंढ रही है। आप ही देखकर बताइए कि मेरा चेहरा कैसा है। अरे बताइए ना। क्या बेटा, तुम तो चांद के टुकड़े हो हमारे। अरे ये लिपस्टिक उषा ने ही लगाई होगी। अरे बेटा वैसे लगी कैसे? उषा से पूछिए। अरे उषा तो बहुत होशियार हो गई है। ए, सब सामान ठीक से रख दिया ना? हाँ मालिक। Thank you.
माँ तुम भी मेरे साथ चलो ना। बेटी अब तेरी शादी हो चुकी है ना, अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है। अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहना, सबका ख्याल रखना। और वैसे भी मैं अब तेरी माँ नहीं रही। सुनिए आप इस लड़की को जानते हैं क्या? पिताजी। अरे कौन हो तुम और तुम मुझे पापा क्यों बोल रही हो? तुम मुझे जानती हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। पिताजी। अरे मेरी बच्ची अब तो तेरी शादी हो चुकी है, हम पराये हो चुके हैं। अब तेरा पूरा संसार बस यही आदमी है, इसका और इसके घर का पूरा ख्याल रखना, पूरे परिवार को खुश रखना, यही एक बेटी का धर्म होता और कुछ भी नहीं। जा बेटा तेरा पति तेरा वेट कर रहा है। छोटू तू चलना मेरे साथ। कौन है बहन जी? हाँ सॉरी मैं पराई लड़की से बात नहीं करता, समझ रही हो? अब तुम्हारी शादी हो गई है, आज से तुम्हारा मालिक वो है, तो प्लीज। अब तो दीदी की शादी हो गई है ना, अब मेरे बारे में सोचो। तू क्या करेगा, घर में एक डंडा तेरे लिए रखा हुआ है, अभी तेरी पूजा करता हूँ। चल भाग यहाँ से, चल निकल। सुनिए जी लाल किला है ना, मुझे ये देखना है, आप दिखा देंगे ना? अच्छा ड्राइवर गाड़ी रोको ना। सुनिए जी यही लाल किला है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री यहीं से भाषण देते हैं ना। देखो हमारे देश का झंडा कैसे गर्व से लहरा रहा है, इसके लिए कितने लोगों ने खून बहाया है। अरे वाह लगता है आप में देशभक्ति बहुत ज्यादा है, तो फिर आप पुलिस या मिलिट्री ज्वाइन कर लेते? देशभक्ति के लिए पुलिस या मिलिट्री में होने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पैदा होना ही देशभक्ति है। देखिए देखिए यहां से इंडिया गेट कितना साफ दिखता है। हाँ, ना वो इंडिया गेट है, पहले तुम नहा तो लो। ओफो, आपने खिड़की क्यों बंद कर दी? और नहीं तो क्या, हम हनीमून के लिए यहाँ पर आए हैं, ये सब देखने के लिए नहीं। कल मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जगह दिखाऊंगा, हम आगरा जाने वाले हैं। हाँ? लेकिन ताजमहल देखने के लिए नहीं, फिर हम कश्मीर जाएंगे, खूबसूरत वादियाँ देखने के लिए नहीं। हम इस तरह कमरे में घुस के दरवाजा बंद करके अपनी सुंदरता को एंजॉय करेंगे, समझे? चलो चलो जाओ नहा लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ? अरे क्या हुआ, तुम नहाने गई थी ना? कोई बात नहीं नहा लो। अरे कुछ नहीं होगा, जाओ जाके नहा लो। सुनिए जी मैं कह रही थी कि हम लोग जाके इंडिया गेट देखकर आए। वाह बिना नहाए बाहर जाओगी तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी। हाँ? दिल्ली बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए कह रहा हूँ जाओ नहा के आओ। भला कैसे नहाऊं, दरवाजे की कुंडी टूटी है। छी, मेरे माँ बाप ने गुंडे से शादी करवा दी, मैं नहीं नहाऊंगी, नहीं नहाऊंगी मैं। ओके जब तुम नहा लोगी तभी बाहर जाएंगे।
मैं रेडी हूं, चलिए चलते हैं। हे, ये तुम गहने की दुकान क्यों बन रही हो? ऐसा मत बोलिए, नजर लग जाएगी। मेरी सोनिए, क्या बात है? ये क्या है, सोना है क्या? नहीं नहीं, ये सोना नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल है। ऐसा हो तो चलेगा, मेरी मौसी ने दिया, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए मैंने पहना। अच्छा, एक बात बताओ, हम यहाँ दिल्ली देखने आए हैं या दिल्ली को तुम्हें दिखाने आए हैं, बताओ मुझे। क्या हुआ? तुम्हारा ये शर्माना और तुम्हारा ये सोना मुझे बहुत पसंद है, इस गेटअप में अच्छी दिख रही हो। मौसी ने दिया है तो अच्छा ही होगा ना? चलेगा, चलो। सुनिए सर, जरा हमारी फोटो खींच दीजिए प्लीज। Excuse me, sir. Your wife is so beautiful. Can I have pictures on her? Sure. जाओ पोज दो। Oh, thank you. Okay, everybody smile. Thank you very much. Thank you. Thank you.
सर आपने एक लड़की को देखा, नीले रंग की साड़ी पहनी थी और गहने पहने थी, वो मेरी बीवी है। उषा हटी, स्थिति बहुत नाजुक है सर। मेरी बीवी को देखा, वो नीले रंग की साड़ी पहनी है और गहने पहने। आपने तलाश कर लिया क्या? हाँ, अच्छी तरह से देखा सर। ठीक है, मैं वायरलेस कर देता हूँ, मिल जाएगी। थैंक यू सर। तलाश कीजिए। बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, बहुत डांटा उनको। वो मुझे वहां छोड़कर चले आए थे, इसलिए तो गुस्सा आया था। सच में सब मेरी ही गलती है। भैंसों को हर साल बछड़ा भी होता है। भैंस के लक्षण के बारे में जानेंगे। भैंस की चमड़ी सॉफ्ट रहनी चाहिए, मुलायम रहनी चाहिए, आंखें बड़ी होनी चाहिए, बदन मोटा होना चाहिए। खासकर भैंसों में मुर्रा, गाली ये सब फायदा करता है। भैंसों में 50% भैंसें भारत देश में है। दुनिया में भैंसों को पालने में भारत तीसरे नंबर पर है, लेकिन 60% दूध यहाँ से मिलता है। हम हमारे वातावरण के हिसाब से भैंसों को पालें तो अच्छा रहेगा। भैंसें पहले 5 प्रेगनेंसी में बहुत फायदा देती हैं। पहले और दूसरा बछड़ा हुआ तो बहुत ज्यादा दूध देती हैं। ये भैंसों के बारे में जानकारी के लिए सरकार के द्वारा बड़े से बड़े भैंस फार्म में संपर्क करिए। भैंसें खरीदते वक्त वो कैसी है, कितना वजन है, कितना दूध देती है, ये सब देखकर ही खरीदें।
अभी आप भैंसों की जानकारी समझ गए होंगे, खासकर प्रेगनेंसी के वक्त बहुत संभालना पड़ता है। भैंसे खरीदते वक्त वो कैसी है, कितना वजन है, कितना दूध देती है, ये सब देखकर ही खरीदें। अभी आप भैंसों की जानकारी समझ गए होंगे, खासकर प्रेगनेंसी के वक्त बहुत संभालना पड़ता है। अब ये भैंस का प्रोग्राम खत्म होता है। चल 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 अंदर, चल अंदर, चल। सर, एसपी सर लाइन पर है। सर, मैं राम प्रसाद। यस सर, आईएसआई एजेंट यही है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, हमने इसे मार्केट से अरेस्ट किया है सर। ये आईएसआई एजेंट है सर, आतंकवादी है ये। सर, मैं गोविंद सर। इसका बहुत बड़ा गिरोह है सर। ठीक है सर, सबको पकड़ेंगे सर। नमस्ते सर, मालिश करते हैं इसकी। प्लीज सर मत मारिए सर। बता सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तेरा गैंग कहाँ है? प्लीज सर मत मारिए। कौन कौन है तेरे साथ सर? अरे बता रे, बता दे। अरे आधे घंटे हो गए भाई, आप इतनी हड़बड़ी में क्यों लग रहे हैं सर? मैंने आपसे कहा ना सर कि आपका काम हो रहा है, लाइए। कब से यही तो कह रहे हो, कर दूंगा, ये मंथली स्टेटमेंट निकालने के लिए इतनी अकड़ दिखा रहा है ये दो कौड़ी का ऑफिसर। सर प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। अरे क्या कंट्रोल करे यार, एक तुम ही बैंकर हो क्या? तुमसे अच्छे लोग भी यहाँ काम करते हैं, वो तो ऐसा नहीं करते। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट। सॉरी। नेक्स्ट। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ऑल राइट, डोंट से सॉरी। वो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। सुनिए, गुस्सा बहुत कीमती है, उसे सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो काम आएगा। Thank you.
हे, यहाँ क्या हो रहा है? ये देहाती अचार किसने गिराया? अरे इनको क्या पता, इतनी मेहनत से बनाई थी, सब गिर गया। तुम बिहार से आई हो क्या? उदास मत हो, क्या कर सकते हम बेटे, अब इस शहर में क्या रखा है। चल अपने गांव चलते हैं बेटे, मेरी बात मान। चल, ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आनंद अभी जेल में है, मैं उनको इस हालत में छोड़ के कैसे जाऊं? आज तक उन्होंने किसी को दुख नहीं दिया है, फिर उनके साथ ऐसे क्यों हुआ? जब तक मेरे शरीर में दम है, मैं उनके लिए लड़ती रहूंगी पिताजी। मैं उनको बाहर लाऊंगी। वो सिर्फ मेरे पति ही नहीं, वो मेरे गुरु हैं पिताजी। आपको पता है ना, मैं पढ़ना चाहती थी, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी पिताजी। वो मेरी हर बात समझते हैं। ऐसे इंसान को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं उनको यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ पिताजी। नहीं जा सकती मैं। याद है पिताजी, आपने क्या कहा था कि शादी के बाद पति ही सब कुछ होता है, फिर आज आप मुझे क्यों ले जाना चाहते हैं? अब अगर उनके साथ कुछ बुरा होगा तो मैं भी उनके साथ सहूंगी, और अगर कुछ अच्छा होगा तो मैं उनके साथ ही रहूंगी। अब आप लोग जाइए, ये आप लोगों का सारा सामान, और यहां मत आइएगा। दीदी, मैं तेरे पास ही रहना चाहता हूँ। What is your problem? हाँ, तुम्हारा पति कोई महात्मा गांधी है या सुभाष चंद्र बोस है? हाँ, वो 100 लोगों की मौत का कारण है और ISI एजेंट है, देशद्रोही है। ओके बेटा, कितना भी नालायक हो, अपने बाप के लिए वो हमेशा प्यारा होता है। ऐसे ही हर पत्नी को अपना पति निर्दोष नजर आता है। सो डोंट गिव मी दिस क्रैप, दैट्स इट। हेलो, व्हाट हैपेंड टू द फाइल? कम ऑन, गेट इट फास्ट। हाँ बताओ जल्दी, मेरा टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी बताओ। सर, मैं अपने पति को जानती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। मैं बिना सबूत के बात नहीं कर रही हूँ सर। आपको वो मस्तान ने इंफॉर्मेशन दी थी ना कि मेरे पति मस्तान, व्हाट अबाउट हिम? वो मस्तान कोर्ट में पेश होने वाला था ना, उसने जेल में आत्महत्या क्यों की, इसकी जांच करें तो। माय गॉड, व्हाट डू आई से फॉर यू, इग्नोर देम। मस्तान जैसे लोग सुसाइड प्लान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आत्महत्या करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तुम्हारे पति को फांसी की सजा ना हो जाए इसकी मुझे पूरी चिंता है, लेकिन तुम्हारा पति निर्दोष है तुम ये बताने आई हो? लुक, एक देशद्रोही से तुमने शादी कर ली थी ये समझ के कि यही तुम्हारी बदनसीबी है, तुम गांव निकल जाओ। ए फाइल लेके आओ यार, आई सेड आउट।
सुनो, तुम अपने पति को साइकिल चोर या कॉमन चोर समझ रही हो क्या? इस तरह ऑफिस में घूमना बंद कर, वो देशद्रोही है। तू उस ऑफिसर के साथ सोएगी भी ना तो भी नहीं बचेगा तेरा पति, समझे ना? गलती उसने की है लेकिन उससे शादी की है, इसकी सजा भी मिलेगी तुझे। तुम अपनी जिंदगी जेल में क्यों बिताना चाहती हो? तू हम दोनों के साथ कॉपरेट करेगी ना तो हम दोनों का सपोर्ट तुझे मिलेगा। हर 6 महीने के राशन तेरे घर में पहुंच जाएंगे, हम तीनों मजे से जिएंगे, तेरे छोटे भाई का भी ध्यान रखेंगे, बस तू हमारी रखेल बन जा। वॉचमैन जी मैडम, ये 6 नंबर फ्लैट में कौन रहता है? वो तो शायद इस वक्त बाहर गए होंगे, वो कब आते हैं कब जाते हैं मुझे क्या पता। वैसे बात क्या है? कुछ खास नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी। ओ अच्छा। हाँ मेहंदी। दीदी बहुत डर लग रहा है, घर चलते हैं ना। अरे मुझे भी डर लग रहा है, तेरे जीजा के लिए करना पड़ रहा है। क्या रे, इधर आ इधर आ इधर आ। क्या रे क्या रे, बहुत चिकनी आइटम लग रही है यहाँ पे, नहीं है क्या? क्या रे तेरा रेट क्या है? अरे दाम तो बता दे, बता दे, बता दे। अरे दाम तो बता दे। यहाँ इब्राहिम कहाँ मिलेगा? इब्राहिम कौन, प्लॉट नंबर क्या है? MC 199। अच्छा अच्छा, इब्राहिम का मामला है। हाँ तो एक काम करो, सीधा जाओ, लेफ्ट ले लो और आगे किसी और से पूछ लेना। ठीक है जी। ओहो इब्राहिम की आइटम है, चल रहे चल। श्रीनिवास जी हैं क्या? नहीं है, वो कहीं गए हैं। कहाँ गए हैं? अशोका होटल में गए हैं। चलो ओह शिट, जस्ट अ मिनट।
ये कौन सा तरीका है बात करने का? यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें समझाया था ना? बात वो है कि सॉरी गाइस, हाँ बताओ बताओ, सुनिए प्लीज सर, जल्दी बताओ सर। कल मैंने एक दाढ़ी वाले को देखा था, उसके घर पर ताला लगा था, और जब मैंने दरवाजा खोला तो हाँ, वहाँ से मुझे एक एड्रेस मिला, और वहाँ पर मैं और मेरे भाई गए थे। वहाँ घर के अंदर कोई था, लेकिन बाहर से ताला लगा था सर। मैं सच कह रही हूँ सर। वेट, एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट, ओके, सी यू गाइस लेटर। चल 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 चल। अरे सुन जाना यार, जाम माइला कौन है बे? तेरा बाप हूँ मैं, श्रीनिवास मूर्ति सीबीआई। तेरा नाम क्या है रे? इब्राहिम। हाँ इब्राहिम, मेरे सामने झूठ मत बोलना। अबे बोलना, तेरा नाम क्या है? हाँ इब्राहिम। इब्राहिम, अरे तू वैसे ये बाहर ताला मार के अंदर क्यों सो रहा है रे? तू प्रेत आत्मा है क्या? वो रात भर पार्टी की थी, मेरे दोस्त ने दारू पीने के लिए बुलाया था, उसके बाद वो भाग गया और मैं टल्ली होके इधर पड़ गया। दोस्त आएगा क्या? आने वाला है क्या? वेट करूंगा मैं। को तुम लोगों ने अरेस्ट किया था? कौन आनंद सर? टाडा केस में अरेस्ट हुआ है, देशद्रोही है वो। केस आनंद बाबू। ओ आनंद, हाँ सर जानते हैं। आई एम ग्लैड यू रिमेंबर। वेल मेरी रिपोर्ट्स के हिसाब से ये आनंद के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है मस्तान ने, मस्तान जिसने पुलिस कस्टडी में ही सुसाइड कर लिया, एम आई राइट? हाँ सर। नहीं कुछ नहीं, ये केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है, बस थोड़ी डिटेल्स मिसिंग है। तो इस केस की टोटल डिटेल्स मुझे आप लोग फाइल करके दीजिए, ठीक है ना? श्योर। यस सर। थैंक यू, दैट्स इट। यस सर। थैंक यू सर। कौन आया? कौन आया?
चल। आ छोड़ो, छोड़ो मुझे। दीदी को छोड़ दो। छोड़ो, छोड़ो दीदी को। दीदी, छोड़ो मुझे। दीदी, छोड़ो दीदी को। छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या हुआ सर? ये सरकार लोगों का सोसाइटी है ना? ये वैश्य यहाँ क्या कर रही है? इसका देशद्रोही पति तो जेल में है ना? दीदी, दीदी को छोड़ो, मेरे दीदी को छोड़ो। चला रही है। चल यहाँ से। ए मास्टर, समझ गए ना? ये कमीनी कुतिया रात होते ही मेहंदी नगर से जुबली तक घूमती रहती है, समझे तुम लोग? दीदी, करती है ये। दीदी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरी दीदी को छोड़ दो। नहीं, छोड़ो मुझे। दीदी, दीदी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी दीदी को छोड़ दो। सर, मेरी दीदी को छोड़ दो, छोड़ दो सर। ए, देख देख। दीदी, दीदी, चल हम तुझसे धंधा कराते हैं, चल चल। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हर तरफ से हम लोग देखें तो एक बेगुनाह सजा काट रहा है। मुझे लगता है पाकिस्तान बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ इस बार कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। हम लोगों को आनंद का केस रीओपन करना चाहिए। बादशाह हमारे एरिया में काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है, इसलिए बादशाह के मूवमेंट्स को देखते हुए पूरे शहर को रेड अलर्ट पे रखना पड़ेगा। सो इमीडिएटली कुछ दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी करना पड़ेगा अगर हम इस शहर को बचाना चाहते हैं तो। बातें कम कर, पूल में पानी डाल, सामने भी डालना। इब्राहिम को पकड़ने के बाद हमारा मूवमेंट बहुत स्लो हो गया है। कोई श्रीनिवास मूर्ति नाम की सीबीआई स्पेशल ऑफिसर है जो हमारे आदमियों को हर तरफ से टॉर्चर कर रहा है। रात को हमारे लोगों का मैसेज आया था कि मिशन हैदराबाद को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। वहां कश्मीर में हमारे लोगों पर बहुत अत्याचार हो रहा है बादशाह। ऐसा लगता है कि हम इब्राहिम को भी खो देंगे, इस देश के टुकड़े करने ही होंगे, इस देश को हम बर्बाद कर देंगे। बादशाह भाई, दो इंस्पेक्टर मिलना चाहते हैं। बुलाओ ने। सलाम वालेकुम बादशाह साहब। सलाम। वालेकुम सलाम। बैठो दोनों। मामला अपने हाथ से निकल रहा है। अगर ये इब्राहिम पकड़ा गया तो आपको और मुझे प्रॉब्लम होगी, सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाएगी। अब एक गलती करके तो हम भी फंस गए हैं, मूर्ति जो करेगा। अभी असली टेररिस्ट सीबीआई की कस्टडी में है, अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो स्पेशल ऑफिसर हम दोनों को जेल में डाल देगा और आपकी भी जान को खतरा होगा, आप भी बच नहीं पाएंगे। अभी उसने आनंद का केस रीओपन कर दिया है, स्पेशल कोर्ट में उसको ट्रांसफर किया है और आनंद भी कल ना परसों बेल पे बाहर आ जाएगा। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। सब कुछ संभालने के लिए अल्लाह है ना। चुकी हूँ जी,
आखिरकार तू जेल से बाहर आ ही गया। तेरे आने से हमें भी खुशी है। देख तो, तेरी शक्ल भी उतर गई है। अरे अरे, जेल में रहने से कितना कमजोर हो गया है प्रसाद। मुझे बहुत जलन हो रही है इससे। अपनी पत्नी के हाथों से खाना खा रहा है। देखो आनंद, तुम बेल पर बाहर आए हो, केवल जमानत पे। फैसला आना भी कोर्ट में बाकी है। सारे सबूत ठीक तरह से पेश होने चाहिए। सब सच बोलना होगा। ढेर सारी बातें हैं, सब तुम्हारे फेवर में हुए तभी बाहर आओगे। और तुमने गलती से भी कुछ भी गड़बड़ी की तो अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जेंटलमैन, अपनी पत्नी का ध्यान रखो, चालाक है ये। इसको कंट्रोल में रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना पुलिस कैसी है ये तो तुम जानते हो। यहाँ की पुलिस के साथ कैसा होता है इसका अनुभव तो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से होगा ना। नमक मिर्च तो बहुत ही अच्छा है। अपनी बीवी का भी ख्याल रखो, सिर्फ अपने बारे में ही मत सोचना। जीजा, आपको पता है इन लोगों ने क्या किया दीदी के साथ? पता है क्या बबलू? जानते हो इन लोगों ने दीदी को बहुत मारा और बाल पकड़ के घसीट के लेके गए। मैं बहुत रोया, मैं रो नहीं पाया इनको। मैंने पैर भी पड़े पर ये नहीं माना। इसलिए मेरे बाल पकड़ के मुझे घसीटते हुए लेकर गया था ना। आज
आती है। दम है तो हाथ लगा कर दिखाओ, हाथ लगा कर दिखाओ, हाथ लगा कर दिखाओ, घसीटो मारो, हाथ लगा कर दिखाओ मुझे, हाथ लगा कर दिखाओ मुझे। हमारी खुशहाल जिंदगी को तुमने बर्बाद कर दिया। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, जब तक हमारी जिंदगी खुशहाल नहीं हो जाती तब तक नहीं छोड़ूंगा। बता, प्लान क्या है? बता, बता, क्या प्लान है तेरा? बता, 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 क्या प्लान है तेरा? बोल, 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 भाषा का है? बोल, बोल, बोल। जय माँ मंदिर के पास। जय माँ मंदिर के पास? हाँ, हाँ, बोल। कुछ प्लान करने वाले हैं। हाँ। वो बाशा, हमारी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। वो आनंद का बच्चा वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम सोचते हैं। बहुत मारा है हमें उसने, और आगे भी वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और ऊपर से वो CBI ऑफिसर, वो तो हमें जेल में ही डाल देगा। हम तो दोनों तरफ से मरेंगे ना बाशा। हम अब थक चुके हैं बाशा, यहाँ हम जी नहीं पाएंगे। हमें भी पाकिस्तान ले चलो, हमें वहां कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। इस देश में अब हम जी ही नहीं सकते, हमें पाकिस्तान भिजवा दो बाशा। मेहरबानी करके हम दोनों को किसी तरह पाकिस्तान भिजवा दो, प्लीज। चिंता मत करो, सारी प्रॉब्लम मैं धीरे धीरे सॉल्व कर दूंगा। अब चाय पी लो। लुक मिस्टर आनंद, मुझे तुम्हारे साथ सिंपथी है, समझे? मेरे आदमी के बदले तुम पकड़े गए। इस ब्लास्ट के केस से तुम बाइज्जत बरी हो जाओ, खुदा से यही चाहते हैं हम। मुद्दे की बात करते हैं, बताओ। तुम्हें कल सुबह 11 बजे कोर्ट जाना है ना, लेकिन ठीक 10 बजे तुम्हारी पत्नी हमारा काम करेगी। वो क्या है ना, आज बाल दिवस पे जो मार्च किया जाएगा उसमें प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी शामिल रहेंगे। वहां के फंक्शन रिसेप्शन में हमने लड़कियों के साथ तुम्हारी पत्नी को भी शामिल किया है, ऐसा प्लान है, ये भी उसमें होगी। 10 लड़कियों के साथ तुम्हारी पत्नी का भी नाम लिखवाया है। बच्चों का फंक्शन और नेहरू जयंती के दौरान स्टेज पर लाखों तालियों की गूंज होगी। और डेकोरेशन में ये देखो, इस रोज बास्केट को लेकर जाएगी। और इसमें क्या रखा है ये तो समझ गया ना? इस गुलदस्ते को तुम्हारी पत्नी 10 बजे के टाइमर के साथ ले जाएगी। ये गुलदस्ता वहां पर रखने के बाद तुम दोनों वहां के वहां स्पेशल कोर्ट जाएंगे। यू बास्टर्ड! हाँ, ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग ये काम नहीं करोगे तो हम ही कर देंगे। देश से बढ़कर हमारी जान नहीं है। देशभक्ति है, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो किसी और हिंदुस्तानी से करा लेंगे। डिसाइड फास्ट, हमारे पास टाइम नहीं है। फाइनल डिसीजन सिर्फ तेरा ही होगा। अभी तक तूने अपने पति को बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत की है। क्या चाहती हो तुम? गलती करो और मैं तुम्हारे पति की जान ले लूं क्या? हो बोलो, तुझे अपना देश प्यारा है या तेरा पति? यू डिसाइड।
आनंद, तुमसे कुछ बात करनी है। Lot of things are happening at the same time, but I don't know what to say. Last minute ही हमारा केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया। Nothing important, nothing major but important. हमारे इस केस में वो दो इंस्पेक्टर हमारे मेजर विटनेस थे, वो दोनों मारे गए। Yeah, बादशाह has stuck the case. Okay. Can I have some water, please? If you don't mind, huh? Crazy. जिस बादशाह के लिए ये दोनों ऑफिसर काम कर रहे थे, उसी बादशाह ने इन दोनों को बॉम्ब से उड़ा दिया। Boom! कमाल है। एक बार बस हाथ में आ जाए वो। We have to do something for it. 11 बजे कोर्ट जाना है। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। We have just 2 hours. इसके अंदर ही हमें कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि तुम्हारी बेगुनाही के यही 2 evidence हैं। That's it. So. अरे रिलैक्स, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी सब बाकी है। इब्राहिम अभी भी हमारी कस्टडी में है, तुम्हारा इस ब्लास्ट में कोई हाथ नहीं है, ऐसा वो कहेगा, ओके? और अगर वो ऐसा नहीं कहता है तो हमें कुछ सोचना होगा। अभी वो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में बादशाह को तुमने देखा था क्या? उसकी फोटोग्राफ तुम्हारे पास है ना? राइट, मुझे दे दो, इतने एविडेंस काफी है। गो। हाँ बोलिए। टेक ऑल द बेस्ट एक्शन। हाँ, I don't want a single stone unturned, okay? Yeah, roam the whole area. There should be some evidence, okay? Interrogate everybody, okay? He must be around somewhere, okay? Yeah, 11 o'clock I... हम करेंगे। आप जो बोलेंगे हम करेंगे। That's the spirit of Indian sentiment. पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, माँ के लिए बेटा, बेटे के लिए माँ। वाह, रिश्तों के लिए सेंटिमेंट और किस देश में मिलेंगे बोलो? हाँ, ओ, ये देश राम का है ना? हमारे देश और हमारे बागवान को एक शब्द भी गलत कहा तो जुबान काट दूंगा। चलें ऑपरेशन पर। ये कश्मीर हमारा है। ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करो, तुझे हमारे आदमी फॉलो करेंगे, तेरे ऊपर नजर रखेंगे, अगर किसी तरह की गुस्ताखी की तूने ना तो तेरे पति को मार देंगे। गो, निकल। Yeah.
मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेहरू जी को दो वस्तुएं बहुत प्रिय थी, बच्चे और गुलाब। दोनों का स्वभाव एक जैसा ही होता है। एक आखिरी बार हृदय से कोमल होते हैं। तेरे देश के प्राइम मिनिस्टर को जिंदा देख ले और गुलाब में कांटे होते हैं। अब देखना बच्चे हमारे देश का मिनिस्टर क्यों बच्चों के साथ, क्योंकि और सैकड़ों लोगों के साथ तेरी बीवी भी मारी जाएगी और यहाँ तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। आए हम पूरे मान सम्मान लाए, तुम्हारी खूबसूरत सी जिंदगी और तुम्हारा ये खूबसूरत सा देश एक दिन भारत बर्बाद हो जाएगा। आज मैं अपने देश को बचाऊंगा, मैं अपने देश को बचाऊंगा। छोड़ो मुझे। मैंने सपना देखा है अखंड भारत का, विश्व गुरु भारत का, सर्वप्रथम भारत का। पूरे विश्व में एक दिन हमारा देश प्रथम स्थान पर होगा, ऐसा मेरा दावा है।
किया, अब तेरा खेल खत्म। हथियार रखे तो सेफ है, लेकिन लाइसेंस हो तो और सेफ है। थैंक यू। हैव फन आनंद। हैट्स ऑफ टू यू एंड योर वाइफ। ऑल द बेस्ट।